हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर पुलिस ने 72 घंटों में सुझाई लूट की गुत्थी। ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट का खुलासा, 3 लुटेरे पकड़े। जोधपुर के सरदारपुरा पुलिस ने एक ज्वेलर से हुई लाखों की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना के 72 घंटों के अंदर इस गुत्थी को सुलझाते हुए लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे लूटा गया काफी माल भी बरामद हो गया है। सरदारपुरा थाना अधिकारी लिखमा राम ने बताया कि सरदारपुरा गोल बिल्डिंग के पीछे कुमारों का मोहल्ला निवासी 65 साल की कमल सोनी से गत 11 जून को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर लूट हुई थी। नकाबपोश बदमाश दुकान से लाखों के जेवर व 22,000 रुपए लूट ले गए थे। जाते हुए वे ज्वेलर की स्कूटी भी उठा ले गए। इस लूट का खुलासा करने के लिए ADCP उमेश कुमार ओझा व सरदारपुरा थाना अधिकारी लिखमा राम सहित स्पेशल टीम के सदस्यों की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इन टीमों ने 3 आरोपियों बनाड़ थाना इलाके के जाजीवाल विशोइयान निवासी महिलाल विशोई, बालेसर के बैलवा निवासी राजू राम व डांगियावास थाना के काकेलाव निवासी महेश वैष्णव को गिरफ्तार किया है। वहीं दुकान से लूटे गए 53 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी व 18,000 रुपए उनके निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। लूट की वारदात में काम ली गई गाड़ी व लूट के बाद ज्वेलर्स की स्कूटी भी पुलिस ने बदमाशों से बरामद कर ली। वारदात के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज व तकनीकी आधार पर लूट का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एक आरोपी राजूराम लॉकडाउन से पहले इसी दुकान में एक सोने की अंगूठी खरीद कर गया था। दुकान में बुजुर्ग कमल सोनी को अकेले व जेवरात भरे देख नियत खराब कर ली थी। राजूराम काकेलाव स्थित एक फैंसी दुकान के मालिक महेश के यहाँ पर काम करता था, उसे भी लूट की वारदात में शामिल कर लिया। लूट के बाद पिछले कई दिनों के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें सामने आया कि राजूराम व महेश सरदारपुरा बी रोड से निकल रहे हैं। पकड़े जाने पर बताया कि वे 6 जून को लूट के लिए आए थे, लेकिन लूट की वारदात नहीं कर पाए। उस दिन दोनों घबरा गए थे। लुटेरे राजूराम व महेश ने तय कर लिया था कि लूट तो करनी ही है, लेकिन 6 जून को नहीं हुई तो एक और साथी को साथ लेने की सोची। ऐसे में महिपाल विशोई को भी लूट की वारदात की साजिश में शामिल कर लिया। साजिश के तहत 11 जून को तीनों मोटरसाइकिल पर दुकान पहुंचे। महिपाल ने पड़ोसी दुकानदार को बातों में लगाए रखा था। राजू दुकान में पहुंचा तो वृद्ध दुकानदार ने उसे पहचान लिया था। फिर महेश भी वहां आ गया था। दोनों ने उसे पीछे से पकड़ा और टेप से बांध दिया था। चिल्लाने पर मुंह को टेप से बंद कर दिया था। तिजोरी से सोने के 3 बॉक्स, चांदी की रिंग, ब्रेसलेट, रुपए, वृद्ध दुकानदार का मोबाइल व एक्टिवा और CCTV कैमरे के DVR लूट कर ले गए थे। दुकानदार का मोबाइल आरोपियों ने तोड़कर जला दिया था। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।